नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप गलती से भी ये चीज खरीदते हैं तो आपके घर आ सकती है कंगाली, यानी कि आप हो सकते हैं बर्बाद। आपके घर कभी भी पैसा नहीं टिकेगा और आप बर्बाद हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये कौन कौन से चीज हैं जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार आता है। धनतेरस पर खरीदारी और शुभ काम की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर जीवन में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। धनतेरस पर नई चीजें खरीदने की प्रथा है। इस दिन कई चीजों को बाजार से खरीदकर दिवाली के दिन उसकी पूजा की जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं धनतेरस के दिन किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के चीजें, धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर पर लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ जाती है। राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ जाती है। कांच के सामान का संबंध भी राहु ग्रह से होता है, इसीलिए धनतेरस के दिन भूल से भी कांच की चीजें ना खरीदें। लोहे के अलावा एल्युमिनियम का सामान भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसका संबंध भी राहु से ही होता है। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े या आभूषण नहीं खरीदने चाहिए। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी का जरूरत पड़ती है, लेकिन ये चीज धनतेरस से पहले ही खरीद कर अपने घर में रख ले। उस दिन तेल या घी ऐसी कोई चीजें ना खरीदें, वरना आपके घर से खुशियां कोसों दूर चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ चीजें जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। आप इन चीजों का ध्यान रखें और अपने घर सुख समृद्धि लाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।